Assalamu alaikum students, hope you all are fine and you all have watched the previous videos which I have uploaded. आप सबके कमेंट्स के मंतज़र हूँ. आप सब अपने कमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो उसे पूछ सकते हैं. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अलाइस इन द वंडरलैंड. ओपन योर टेक्स्ट बुक फॉर दैट. Here you are on page number 21. On page number 21 we have next chapter, lesson number 2, Alice in Wonderland. Alice एक कार्टून कैरेक्टर है. उसे वंडरलैंड में क्या हुआ है उसके साथ, वो आप लोगों को इस पूरी स्टोरी में मालूम करना है, इसको रीड आउट करना है. Here you can see the picture. A girl is sitting under a tree and her sister is lying on her legs. सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, द गर्ल इज़ रनिंग आफ्टर रैबिट हु हैज़ अ क्लॉक इन हिज हैंड एंड ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स द केव. ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज यू कैन सी फर्दर पिक्चर्स. यू कैन सी द गर्ल इज़ इनसाइड द केव एंड अंडर अ टेबल. शी इज़ स्मॉल इन हाइट, शी हैज़ गॉट स्मॉल हाइट एंड अ की इज़ ओवर देयर एंड अ पोर्शन इज़ देयर, समथिंग इज़ देयर टू ईट एज वेल. Further you can see the girl has become taller. लड़की बड़ी हो चुकी है. Rabbit is inside the cave now. Rabbit अंदर है cave के and water is also there. Further you can see the last picture that a rat is trying to save the girl from water. इस पूरी स्टोरी को आपने रीड करना है. If you can read it very well, अगर आप उसको रीड कर सकते हैं, कॉम्प्रहेंश कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप लोग नहीं कर सकते हो तो no matters, when you will come back to your school, we will do it for you. नेक्स्ट आप लोगों को कॉपी में काम क्या करना है, यू विल हैव टू प्रिपेयर योर टाइटल पेज. ओके नाउ ओपन योर नोटबुक्स, मेंशन द टाइटल पेज, टॉपिक अलाइस इन वंडरलैंड. डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डेट, अपनी डेट डालेंगे, बिकॉज व्हेन यू नो वेरी वेल कि हम जिस भी तारीख को काम करते हैं वो डेट हम अपने लास्ट में मेंशन करते हैं. आई हैव रिटन हेयर डेट, मैंने यहाँ पे सिर्फ डेट लिखी है. आप जो डेट होगी वही डेट मेंशन करेंगे. ड्रॉ द मार्जिन्स, मार्जिन्स ड्रॉ करेंगे एंड यू विल हैव टू कॉपी डाउन द वर्ड्स एंड द मीनिंग्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 पर, पेज नंबर 23 पर वर्ड्स मीनिंग्स दिए हुए हैं. वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड्स आप लोग ब्लैक पेन के साथ लिखेंगे. इनके जो मीनिंग्स आपके सामने दिए हुए हैं, एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, ये वर्ड का मीनिंग आप लोग यहाँ पर लिखोगे. फर्दर यू कैन यूज़ द डिक्शनरी फॉर उर्दू मीनिंग. इसके अलावा आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं उर्दू मीनिंग्स लिखने के लिए, वो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे. यू हैव टू कम्प्लीट दिस वर्क इन योर नोटबुक. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, यू सारी एक्सरसाइजेज अपोजिट्स. आपको अपोजिट्स दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, यही अपोजिट आप लोगों ने अपनी कॉपी में मेंशन करने हैं. जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स के कॉलम में यूजिंग ब्लैक पेन, और अपोजिट्स जो हैं वो अपोजिट के कॉलम में यूजिंग ब्लू पेन आप लोगों ने लिखने हैं. इसके साथ साथ आप लोगों ने एक और काम करना है कि इस एक्सरसाइज के बाद ऑन पेज नंबर 23, ये एक्सरसाइज जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यू हैव अ सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स अपोजिट ऑन पेज नंबर 25. आप लोगों को यहाँ पे मैच द अपोजिट वर्ड करना है, बट हाउ विल यू डू इट, यू विल हैव टू डू इट इन द सेम पेज. आपको ये काम भी इसी पेज में कंप्लीट करना है. ओके, आई होप यू हैव गॉट दिस थिंग. इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी. अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हो. ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने ज्वाइन करके यहाँ पर लिखने हैं. आप लोगों ने मैचिंग नहीं करनी है. कीप इट इन योर माइंड, यू आर नॉट गोइंग टू मैच इट, यू आर गोइंग टू राइट इट इन द कॉलम ऑफ वर्ड्स अपोजिट. Then moving towards, we are going to skip our question answers. हम question answers को फ़िलहाल के लिए skip कर रहे हैं. फ़िलहाल हम question answers नहीं कर रहे. As I have told you previously, कि अगर आप लोगों को कोई भी problem होगी तो फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने question answers skip रखे हुए हैं. But you have to do the exercise number B, choose the correct option, put a tick mark on it. आपको ये अपने कॉपी में लिखना है using black and blue pen, और जो भी आपका सही answer option है उसे tick mark करना है. राइट, फर्दर हमारे पास वर्कबुक में काम मौजूद है. फॉर दैट ओपन योर वर्कबुक्स ऑन पेज नंबर 11. यू कैन सी योर लेसन नंबर 2, अलाइस इन वंडरलैंड.
आप लोगों ने क्या करना है, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली. आप लोगों ने इन पिक्चर्स को देखना है, दे आर नॉट गिवन इन द राइट ऑर्डर्स. ये आपको पास करेक्ट ऑर्डर में नहीं दी हुई है. आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी स्टोरी को क्रिएट करना है एंड पुट द करेक्ट नंबर इन द सर्कल्स गिवन अंडर ईच पिक्चर. ये जो सर्कल्स आप लोगों के पास दिए हुए हैं, इसमें आप लोगों ने नंबरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. जो आप स्टोरी समझ रहे हैं उस स्टोरी के तहत आप लोगों ने इसकी नंबरिंग करनी है. फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टोरी भी नीचे कम्प्लीट करनी है. क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपके पास. कम्प्लीट द स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर्स गिविन अबाउ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स. गिव अ सुटेबल टाइटल टू द स्टोरी. आप लोगों ने इस स्टोरी को कम्प्लीट करना है, इसका टाइटल भी बनाना है और अपना रिव्यू देना है. विल द कैप सेलर गेट हिज कैप्स बैक, हाउ. कि कैप सेलर उसको उसकी कैप्स वापस मिलेंगी, और अगर मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी. यू विल हैव टू कंप्लीट दीज ब्लैंक्स बाय योरसेल्फ. आल्सो यू विल हैव टू मार्क नंबर्स ऑन दिस पिक्चर्स. आई होप यू ऑल हैव गॉट इट. मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा. इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन आस्क मी ऑन योर ग्रुप वॉल. काइंडली यूज़ द ग्रुप वॉल. अपने ग्रुप वॉल्स को इस्तेमाल कीजिए, अपने काम की पिक्चर्स खींचिए, शेयर कीजिए एंड गेट द एक्सलेंट रिमार्क्स फ्रॉम योर टीचर्स. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.